अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीमुल उम्मत मुजद्दुल मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मलफूस इस वक्त पढ़कर सुनाया जा रहा है, इसका उन्वान है लोगों को तरगीब दिलाकर बैत के लिए लाने से नफ़रत। इरशाद फरमाया कि एक इस बात से मुझको सख्त नफ़रत है कि लोगों को घेर घार कर लाया जाए, इनको तरगीब देकर करामतें और फ़ज़ाइल बयान कर करके मोतक़िद बनाया जाए। मुझको तो ऐसी बातों से गैरत आती है। नतीजा इसका ये होता है कि तालिब मतलूब और मतलूब तालिब बन जाता है। बाजारी औरतों का था पेशा है कि हमारी नायिका छठी रहती हैं, वो लोगों को फंसाती रहती हैं और ख़ुद वो भी शब रोज़ बनाव सिंघार में रहती है ताकि लोग फंसें। बस यही हालत आजकल बाद मशाइख के यहाँ हो रही है। मुझको तो बहमदिल्ला से तबई नफ़रत है। मेरी तो खुली हुई हालत है, अगर किसी को पसंद हो आओ मेरे पास आकर अल्लाह का नाम मालूम कर लो, और अगर पसंद ना हो तो कहीं और जाओ। मैं किसी की वजह से अपना तर्ज और मतलब बदल सकता हूँ और ना मरवजा इखलाक इख्तियार कर सकता हूँ, ना गुलामी और चापलूसी मुझसे किसी की हो सकती है। हाँ, खिदमत को तैयार हूँ, खादिम हूँ, मगर शर्त यह है कि सलीके और तरीक़े से खिदमत ली जाए। बेतरीक़े और बेढंगेपन से मुझसे ना कोई खिदमत ले सकता है और ना मैं खिदमत कर सकता हूँ। साफ साफ जो बात है डंके की चोट कहता हूँ, खुद बात साफ करता हूँ, दूसरों से भी ऐसी ही साफ बात चाहता हूँ, फिर चाहे कोई मेरे पास आए ख्वाह ना आए। अल्लाह ताला हमें इन तालीमात पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उलूम व मारिफ़ पर मबनी मलफूजात की तहरीरी पोस्ट और ऑडियो पोस्ट का सिलसिला तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के फेसबुक पेज पर जारी है। इन मुफीद दीनी पोस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेस इदारे के यूट्यूब चैनल तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर को भी सब्सक्राइब करें ताकि उलूम दीनिया की तबलीग व अशात में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।